Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start a lecture series of public administration. और मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये जो हमारी सीरीज होगी ये आपका CSS और PMS दोनों का सिलेबस कवर करेगी। तो जनाब आप लोगों को काफी हद तक हेल्प हो जाएगी ताकि आप लोगों का इससे टाइम बचेगा और आप लोग इजीली इसको कवर कर सकेंगे। अब मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए, ताकि बच्चे बहुत ज्यादा हमसे सवाल करते हैं जी सिलेबस सिलेबस, तो मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ पढ़ाई है मैंने उसको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस सेट किया है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये दिखाता भी चलूँ कि देखिए ये जी ये आपका PMS में आपका पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में जो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैंने इसीलिए एक तस्वीर यहाँ पे ऐड कर दी हुई है ताकि आप लोग इसको ट्रैक कर सको कि हम लोग कितना कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं या नहीं ठीक कर रहे, तो आप लोग एक चेक लगा सकते। ठीक है जी, तो टाइम जाए के बगैर हम आगे चलते हैं ताकि एक मुनासिब टाइम की हम वीडियो बना सकें ताकि हमारे होनहार बच्चों को पढ़ते हुए इश्यूज ना हो। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज तो ये देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है। देखिए बच्चों, किसी भी चीज को आप लोगों ने कभी भी पढ़ना हो तो हमेशा जो पहली चीज होती है वो ये देखी जाती है कि जनाब आपका जो ये लफ्ज है इसका मतलब क्या है। तो अच्छा, इसका मतलब समझने के लिए देखें जी, सबसे पहले ये दो लफ्जों का मजमूआ है। एक लफ्ज है पब्लिक और एक लफ्ज है एडमिनिस्टर। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से एडमिनिस्टर। अब पब्लिक का मतलब तो हम सबको ही पता है, इसमें हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं अवाम है वो आ जाएगी, आवाम आम लोग। ठीक है जी, जो आर्टिकल लाइन में लगे हुए और नजर आएंगे आपको, कभी कभी किसी लाइन में नजर आएंगे, कभी किसी लाइन में नजर आएंगे। और एड का मतलब होगा टू और मिनिस्टर का मतलब होगा सर। ठीक है जी, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होगा टू सर्व द अवाम, यानी टू सर्व द पब्लिक। ऐसा इदारा जिसका बुनियादी काम अवाम को सर्व करना होगा इसको कहा जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमने ब्रीफ सा नाम को देखा कि इसके नाम का मतलब क्या है। अब अगर हम देखें जनाब, अच्छा जी ये अवाम को सर्व करने वाली बात, ये कहां से दुनिया के दिमाग में ख्याल आया कि जनाब आवाम को भी आपने सर्व करना है, सिर्फ आपने लंदन में फ्लैट्स नहीं बनाने, आपने आवाम को भी सर्व करना है। तो बच्चों ये स्टोरी शुरू होती है अमेरिका से। मामला ये था कि अमेरिका दुनिया में चंद पुरानी तरीन जो डेमोक्रेसीज है उनमें से एक है। और आप लोगों के इल्म में होगा कि जो अमेरिका है वो आजाद होता है 1787 में और ये कॉलोनियलिज्म से बाहर निकलते हैं और ये अपने मुल्क में जमहूरियत का निफाज जो है उसको एंश्योर करते हैं। अब जमहूरियत में बच्चों जो बुनियादी चीज होती है वो ये होती है कि आपने इक्तदार में जो पावर होती है, इसे आप कह लें कि हकमियत जो होती है, सोवरेनिटी जो होती है, इट लाइज टू द पीपल, लोगों के पास इक्तदार आला होता है। यानी हकूमत का बुनियादी टास्क होता है लोगों को सर्व करना। अब मामला ये था कि जो उनके शुरू में प्रेसिडेंट्स आ रहे थे वो क्या किया करते थे, वो जो अपनी टीम बनाते थे, मिनिस्टर्स लगाते थे या टॉप के ब्यूरोक्रेट्स वगैरह लगाते थे, वो लगाते थे जनाब ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, ये हमारे भाई का बेटा है और ये हमारा अपना बेटा है, इसे वजीर आला लगा दो, ये फलाना है ये फलाना है। तो पर्सनल रिलेशनशिप्स की बुनियाद के ऊपर वहां पे की पोजिशंस के ऊपर ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जाता था। अब बजाहिर तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि जनाब आप अपने किसी लॉयलिस्ट को, अच्छा अब यहाँ पे ये भी समझा दूं कि या तो आपके पर्सनल रिलेशनशिप होते थे या लॉयल्टी वफादारी। ठीक है जी, तो आप पाकिस्तान की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में आप समझ सकते हैं कि वफादारी से क्या मुराद हो सकता है। तो लॉयल्टी टू द किंग या पार्टी, मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, तो जो भी जितना वफादार होगा उतना ही उसको ओहदा दिया जाएगा। अब ये सिस्टम तो ठीक था, मतलब सब खुश थे कि जनाब आप अपने लॉयलिस्ट को अवार्ड कर रहे हो सारी चीजें। लेकिन इससे जो बुनियादी चीज बच्चों पैदा हो रही थी और वो चीज क्या थी, वो चीज ये थी कि दो प्रॉब्लम्स आ रहे थे सिस्टम में। एक प्रॉब्लम था जनाब आपको माना था ना पाकिस्तानियों के लिए, दैट इज करप्शन, और दूसरी चीज थी इनएफिशिएंसी। अब करप्शन के ऊपर मैं भाषण थोड़ा सा कम दूंगा, यहाँ पे हम आगे जाके इसको मजीद खोल लेंगे। और भाषण कम देने की बुनियादी वजह यह भी है कि पाकिस्तान में किसी को रोटी का पता हो या ना हो, करप्शन का जरूर पता होगा, एंड थैंक्स टू द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान,
इस लव से काफी लोगों को आशनाई करवाती है उन्होंने। अच्छा, अब इन एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इन एफिशिएंसी क्या होती है बच्चों? कि देखें, जब भी कोई काम किया जाता है तो उस काम को रिलेट किया जाता है विद आप यू कैन से दैट विद टाइम, कि कौन सा काम कितनी देर में हम डिलीवर कर रहे हैं। तो इन एफिशिएंसी ये होती है कि जब भी आपका कोई काम खुदा ना खास्ता सरकारी दफ्तर में जाना पड़ जाए तो आप लोगों को बेहतर पता है कि वहां पे क्या मामला चल रहे होते हैं और लोगों को किस तरह डिले किया जा रहा होता है चीज। तो ये खैर मैं आगे जाके आपको एफिशिएंसी खोलूंगा अभी, इसके बाद भी सुनना। तो वापस आते हैं अमेरिका पे। अमेरिका में ये मामला क्या चल रहे थे कि जनाब, जब लोगों को अपनी जाती पसंद या नापसंद पे या रिश्तेदारी की बुनियाद पे लगाया जा रहा था, तो उससे ना लोग दो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, करप्शन हो रही थी और इनएफिशिएंसी थी कामों में, काम ठीक टाइम पे नहीं हो रहे थे। तो लोगों ने एक डिबेट शुरू की। उस डिबेट में ये कहा गया कि भाई अब इस सिस्टम को खत्म करो, नो मोर, ठीक है, एब्सोल्युटली नॉट, कि अब हमें यह सिस्टम नहीं चाहिए। इस सिस्टम को कहा जाता था बच्चों स्पॉइल सिस्टम। तो इन्होंने कहा जनाब, अब स्पॉइल सिस्टम को आप खत्म करो, हमें इस सिस्टम से कोई आउटकम नहीं मिल रही। हम तो भाई जमहूरी हुकूमत थे, हमने तो लोगों को सर्व करना था, लेकिन जब करप्शन और इनएफिशिएंसी होगी तो आप लोगों को सर्व तो नहीं कर सकते, फिर लोग आपसे आजादी मांगेंगे। कोई सिंधु देश का नारा लगाएगा, कोई जाग पंजाबी जाग का नारा लगाएगा, कोई खैबर पख्तूनख्वा का नारा लगाएगा। तो अगर आप इंटैक्ट रखना चाहते हो अपने लोगों को तो आप लोगों को सर्व करो। तो उस टाइम जो पढ़े लिखे लोग थे या उस टाइम के जो एक आपके लोग सिविल सोसाइटी थी, उन लोगों ने एक मोटो सेट किया कि जनाब, द बिजनेस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी रन इन अ बिजनेस लाइक मैनर, कि भाई हुकूमत को हुकूमत की तरह चलाओ, इसको खानदान की तरह मत चलाओ कि जो बच्चा आपका रह गया उसको बिला के आपने मिनिस्टर बना दिया, और अगर मिनिस्टर नहीं बना सके तो सोलर प्लेटों का ठेका जो है आपने उसको लेके दे दिया। तो बिजनेस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट को उसी तरीके से चलाओ जैसे हुकूमतों के काम होते हैं, इसमें कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स की बुनियाद पर इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसी को एक और पर्सपेक्टिव से भी ये कहा गया कि देखिए, जो आपने लोग लगाने हैं, जो टीम आपकी आएगी, सबसे पहले तो वो नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए, सियासी बुनियादों पे मत लगाओ कि जी फलाना बंदा जो है उसने मेरी पार्टी के साथ ये अच्छा ये किया और मुझे सपोर्ट किया इलेक्शन में, तो ठीक है जी इसको लगा दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और नॉन पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, फिर अपॉइंटमेंट किस बेस पे होनी चाहिए? दो बेसिस पे होनी चाहिए। एक तो मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है जी, मेरिट का कोई भी क्राइटेरिया सेट किया जा सकता है, एग्जाम्स हो सकते हैं, इंटरव्यूज हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से आप मेरिट देख सकते हैं। और दूसरा कि जो भी बंदा अपॉइंट होगा वो अपने काम के लिए फिट भी है या नहीं है। तो बेस्ड ऑन मेरिट एंड फिटनेस जो है, उन्होंने कहा जनाब अपने लोगों को आप अपॉइंट करो। अब ये जो जितनी भी डिबेट हो रही थी, ये बेसिकली एक ऐसे इदारे को बनाने के लिए हो रही थी जिस इदारे का सिर्फ एक ही पर्पज हो, और वो पर्पज क्या हो? सर्व द पब्लिक, ठीक है जी, आप अपने लोगों को सर्व करने के लिए रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। अब अमेरिका में जब ये डिबेट चल रही थी बच्चों, तो फिर एक सर्वे, पब्लिक सर्विस का क्योंकि बात हो रही थी, तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट है, इसका राइज हुआ। और इसका राइज जो है वो सबसे पहले कैसे हुआ? इसका राइज हुआ बच्चों, उनके बाद में ये सदर भी रहे, इनका नाम है प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, ठीक है जी। वुड्रो विल्सन साहब ने 1787, सॉरी ये आपने लिखा था 1887 में, इन्होंने एक एसे लिखा, एन एसे ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब 1887 में इस साहब सदर तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो एसे लिखा, एसे ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने सबसे पहले ये डिफाइन किया कि आपकी इंतजामिया को कैसा होना चाहिए। तो अब यहां से ये बात शुरू होती है कि जनाब, एज अ सब्जेक्ट कब शुरू हुआ या इस पे डिबेट कब शुरू हुई? तो 1887 में शुरू होती है, और इसको जो शुरू करने वाले हैं उनमें एक बहुत बड़ा नाम है वुड्रो विल्सन, जो कि बाद में जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। तो वुड्रो विल्सन साहब ने यहाँ से इसका आगाज किया। अब अगर हम फॉर्मल देखें एज अ सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट की या इस टॉपिक की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, दो बुनियादी डेफिनेशंस है। बेसिकली ये दो नजरियात हैं। पहला जो नजरिया है, और ये बड़ी कोई आसान सी बात है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, पहला जो नजरिया है वो है आपका नैरो व्यू, या इसी को कहा जाता है बच्चों ट्रेडिशनल व्यू, ठीक है जी। अब ट्रेडिशनल और नैरो अक्सर आप देखोगे
कि जनाब ये दो लफ्ज साथ साथ चलते हैं। अक्सर आपको बच्चे घर में कहते हुए नजर आएंगे अम्मा बाबा को कि भाई आप लोग पुराने लोग हैं, आपको नहीं पता, ठीक है, या जी हमारे वालदैन जो है ना जी बड़े कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो जितनी भी कदीम चीजें होती हैं नॉर्मली वो इंसान को नैरो ही लगती हैं। तो अब जो ब्रॉड व्यू है, ये लेटेस्ट व्यू है या आपका लिबरल व्यू है, और या आप इसको न्यू जो अभी अब ट्रेंड सेट हो रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी हम बात करते हैं। अब दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस हैं, दोनों को हम देख लेते हैं कि आपने अगर पेपर का सवाल है तो पेपर में आपने दोनों व्यू इसके एक्सप्लेन करने हैं। अब ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो नैरो व्यू क्या है, देखें अभी हमने स्टार्ट किया कि जनाब जो वुड्रो विल्सन साहब थे डिबेट वहां से स्टार्ट की थी। तो वुड्रो विल्सन साहब ने जो एसे लिखा था उन्होंने ये देखें सबसे पहली डेफिनेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वहीं पे है अपने एसे में ही दे दी थी। वो क्या कहते थे, वो ये कहते हैं जनाब कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ लॉ, कि जो आप कानून बनाते हो उसको अप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी पार्लियामेंट के अंदर कानून बन जाता है जनाब कि कोई भी बंदा अगर ओवर स्पीडिंग कर रहा है तो उसके ऊपर चलान होगा। अब वो चलान मिनिस्टर साहब ने तो नहीं करना, वो चलान करना है एक सिविल ब्यूरोक्रेट ने, जो कि एक मोटरवे पुलिस का नुमाइंदा हो सकता है, वो ट्रैफिक पुलिस का नुमाइंदा हो सकता है, जो कि वहां जाके आपको चलान करेगा। वो क्या कर रहा है, वो उस लॉ को अप्लाई कर रहा है, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा जो सिविल इंतजामिया होती है इसका काम ये होता है कि ये उस लॉ को अप्लाई कर रहा है। यहां तक तो बात बहुत अच्छी है, बात भी बिल्कुल ठीक है जी, इनका ये काम होता है। लेकिन इस नजरिए में जो चीज जुड़ी हुई थी जिसकी वजह से हम इसको नैरो कहते हैं वो ये है बच्चों कि वो कहते थे कि ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होगी इनके फंक्शंस एंड एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये सिर्फ इंतजामी काम संभालेंगे, इनका काम नहीं है कि ये मिनिस्टर साहब को कहें सर देखें ये गलत कर रहे हैं, लोग आटे के लिए लाइनों में जलील हो रहे हैं, आप और भी बंदोबस्त करें। नहीं, इनका काम सिर्फ ये है कि जो मिनिस्टर्स पॉलिसी बना देंगे ये उसको सिर्फ और सिर्फ चुप करके अप्लाई करवाएंगे, इसमें इनकी इनपुट नहीं होगी, ठीक है जी। दूसरा, इनकी इनपुट बिल्कुल भी इन मामलों में नहीं होगी जो मामले अहमियत के हामिल होंगे, फॉर एग्जाम्पल अहमियत के हामिल डिफेंस, फॉर एग्जाम्पल लॉ एंड ऑर्डर, या एग्रीकल्चर, या एटसेट्रा एटसेट्रा के वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, जो भी अहम मामला होंगे उसमें इनकी इनपुट नहीं होगी, ये सिर्फ और सिर्फ अपना काम करेंगे। अच्छा, अब मैं यह आपको समझाऊं कि इस बात को इस अपने काम का मतलब क्या। देखिए जी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो जो उसके इंटरनल टास्क होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनको यूं डिफाइन किया जाता है पोस्ट कॉर, ठीक है जी, पोस्ट कॉर। अब पोस्ट कॉर में अगर हम ये देखें, ये ओ छोटा है यहाँ पे, तो पी से बनता है प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजिंग। देखें प्लानिंग का मतलब कोई आपको कहा गया जनाब आटा तकसीम करना है, तो आप एज अ ब्यूरोक्रेट देखेंगे ठीक है जी आवाम जो है वो बेचारी भूखी है और आवाम के पास पैसे भी नहीं है, तो अब मैंने उनको आटा डिवाइड कैसे करना है, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप उस काम को ऑर्गेनाइज करोगे कि आपने आटे के लिए कहाँ कहाँ पे अपनी मंडी लगानी है या पॉइंट्स लगाने हैं। फिर आप स्टाफिंग करोगे, स्टाफिंग का मतलब है लोग हायर करोगे या लोगों को डेजिग्नेट करोगे। फिर डी से होता है बच्चों डायरेक्शन, लोग खाली रख लेने से तो नहीं काम होगा ना, वरना तो काम खराब हो जाएगा, आपने उनको डायरेक्शंस भी देनी है कामों को कैसे करना है। अब उसके बाद सी ओ से कोऑर्डिनेशन, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगा। आर से फिर आप देखें असल काम तो मिनिस्टर साहब ने था, तो आपने मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट जरूर पहुंचानी है सर सब ठीक चल रहा है, रिपोर्टिंग, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट जो सबसे अहम काम होता है दैट इज बजटिंग, कि आपका कोई भी काम पैसे के बगैर तो नहीं होता, तो आपने बजटिंग भी करनी है। तो जो यहाँ फंक्शंस एंड एक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मकसद या उसका मतलब जो है वो सिंपल वे में पोस्ट फॉर है कि जनाब आप अपना काम देखो आपने कैसे करना है, मिनिस्टर साहब को आपने नहीं कहना कि सर आप जो है ना आप गलत कर रहे हैं या ठीक कर रहे हैं, या जो भी इनपुट देनी है वो आपने नहीं देनी। ये था नैरो व्यू, और ये किन का व्यू था, ये उन पुरखों का व्यू था, वुड्रो विल्सन और उसमें बाकी लोग थे, एफ डब्ल्यू टेलर आगे हम पढ़ेंगे, एंड तो ये उन लोगों का व्यू था जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बात करनी शुरू की। अब यहां मैं एक बात आप लोगों को बताता चलूं कि ये व्यू बिल्कुल उनके लिए जस्टिफाइड था। क्यों जस्टिफाइड था, वो ये चाह रहे थे कि इंतजामिया सिर्फ अपना काम करे, बिजनेस पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट शुड रन लाइक इन अ बिजनेस लाइक मैनर,
वो ये ना देखेंगे जनाब फलाना काम क्या, मिनिस्टर का काम है पॉलिसी बनाना या लॉज मेकिंग, और जो आपके ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेसी है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करवाना है, इंप्लीमेंट करवाना है। ठीक है जी, तो ये था नैरो व्यू। अब ये नैरो व्यू प्रिवेल किया, काफी अरसा यही चलता रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद पता ये लगा जनाब कि जो आपके मिनिस्टर्स आ रहे हैं वो 8वीं पास आ रहे हैं, वो 10वीं पास आ रहे हैं। अच्छा, जो आप पाकिस्तान में, तो आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि जो आपके उस, या अगर वो आ भी रहे हैं तो एक पढ़ा लिखा बंदा भी आ रहा है तो उसको नहीं पता, वो हर चीज पर तो नहीं एक्सपर्ट हो सकता। तो अब अगर एक इलिटरेट बंदा आपके ऊपर आके मिनिस्टर बैठ गए हैं साहब, तो उस साहब को ये कौन समझाएगा कि सर पॉलिसी बनानी है, पॉलिसी में इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो बड़ा एक महसूस किया, और अब इस इलिटरेट बंदे के नीचे काम करेगी कौन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम कहते हैं सिविल इंतजामी या ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी वाले जो लोग होते हैं तो बाबू हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब ये जो बाबूज की एक फौज है, ये पढ़ी लिखी फौज है, अगर इनके ऊपर, और ये टेक्निकल भी हैं, इनको अपने कामों का पता भी है, ये तो एक्सपर्ट लोग हैं, तो अगर आप इस इलिटरेट बंदे को इनकी सपोर्ट दिलवा दोगे तो काम बेहतर नहीं हो जाएगा? मिनिस्टर को क्या पता कि जनाब आटे की लाइन में लगना है या नहीं लगना, या कितने लोगों को कहाँ कहाँ पे है। तो जो ग्राउंड पे ब्यूरोक्रेट खड़ा हुआ है या पब्लिक सर्वेंट खड़ा हुआ है, उसको बेहतर पता चीजों का। तो ब्रॉड व्यू वालों ने ये कहा कि भाईजान ये कोई ऐसा मजाक नहीं है कि जनाब आपका जो ब्यूरोक्रेट है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं कर सकता या वो अहम मामला में नहीं बोल सकता, बल्कि उसके पास ये राइट है कि वो बोल सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा जनाब देखें, अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न विद द अफेयर्स ऑफ स्टेट एट ऑल लेवल्स, रियासत की जितने भी लेवल्स होंगे उनके ऊपर वो जितने भी काम होंगे उन सब के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक होगा और वो उसमें अपनी इनपुट दे सकते हैं। अच्छा जी, अब लेवल्स लेवल्स कौन से होते हैं जी? सबसे पहले कौमी लेवल, ठीक है, जैसे कौमी असम्बली, उसके बाद सूबाई लेवल, सूबों के लेवल पे, और आखिर में लोकल गवर्नमेंट्स। तो हर लेवल के ऊपर जो आपकी सिविल इंतजामिया वो काम करेगी और अपना इनपुट भी देगी। ठीक है, सिर्फ ये कह देना कि भाई देखो जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं वो सिर्फ पोस्ट कॉर्प करें, अपने काम से काम रखें, तो ये नाजायज है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस सपोर्ट को, इस व्यू को सपोर्ट करने के लिए एक हमारे पास फिलोसफर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, का नाम है लेविस मेरियम। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के इश्यूज के ऊपर, और उसमें ये साहब कोट करते हुए नजर आते हैं ब्रॉडली को। ये क्या कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विद टू ब्लेड्स। ये ख्याल रखना कि यहाँ पे टू ब्लेड्स है, ये दो काम करेंगे। क्या क्या? अच्छा, सीजर्स के दो ब्लेड हैं। पहला ब्लेड कहेगा जनाब आपको अपनी फील्ड का पता होना चाहिए, यानी पोस्ट कॉर्प का पता होना चाहिए, यानी नैरो व्यू, कि आपको अपने काम का जरूर पता हो, काम करना कैसे, लेकिन सिर्फ ये ना पता हो, ये तो एक ब्लेड है। दूसरा ब्लेड कौन सा है? द अदर ब्लेड इज द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि वो इशू क्या है, वो पॉलिसी क्या है, वो उस पॉलिसी को बनाया क्यों गया है, उस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें रखी गई हैं और उसमें जो टेक्निक्स वगैरह लगाई गई हैं वो क्या है, तो वो भी पता हो। ठीक है, और आखिर में देखो वो इसको एंडोर्स करते हैं, बोथ ब्लेड्स मस्ट बी गुड टू मेक एन इफेक्टिव टूल। अगर आप चाहते हो कि आपके इंतजामिया काम करे तो उसे अपने काम का तो पता ही पता हो, लेकिन साथ उनको ये भी पता हो कि पॉलिसी कैसे बनानी है, पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं और क्या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स है वहां पे जो हमें रखनी है। और ये कब होगा? जब आप उनसे पूछ के चलोगे, या उनको आप कहते हैं कि जनाब इंक्लूसिव अप्रोच, उनको साथ लेके चलो। तो ये था ब्रॉड व्यू, और ब्रॉड व्यू के ऊपर आप ये कोट डाल सकते हो लेविस मरियम की, ही इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिलोसफर। अगर आप इनको गूगल करोगे तो इनकी बुक जो है इश्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपके सामने आ भी जाएगी। सो अब ये दो व्यू थे आपके, अगर आपके पेपर में डेफिनेशन आती है तो आप इन दोनों व्यूज को मेंशन वहां पे करेंगे। तो अब अगर जितनी भी अब तक हमारी बातें हुई हैं इनको हम सम अप कर लें की पॉइंट्स के अंदर, तो जनाब तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या है, तो इसको आप देख लेते हैं जी, ताकि आप लोग इस पर आपसे डिस्कस कर सको पेपर के अंदर। तो जी देखें जी, सबसे पहले ये होता है कि जनाब देखें, अब ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, अभी हमने स्टार्ट में बात की थी, ये नॉन पॉलिटिकल होती है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन अलमिया ये है कि ये जो नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी, ये ऑपरेट करती है अंडर द पॉलिटिकल सिस्टम, यानी मिनिस्टर के अंदर होगी ना, तो मिनिस्टर तो एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके नीचे आपकी ब्यूरोक्रेसी होगी, और इसकी वजह से इश्यूज भी आते हैं, वो इश्यूज अभी अभी आगे जाके हम
सॉल्व भी करेंगे। ठीक है जी। तो अब एक तो ये पॉइंट हो गया कि नॉन पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी ऑपरेटिंग इन पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरी बात यहाँ पे ये है, और जो सबसे अहम बात है, जो एक आपके मिसकंसेप्शन को दूर करेगी, कि ये जो पॉलिटिकल या सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हुकूमत की तीनों ब्रांचेस को कवर करती है। अच्छा जी, तीन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? हमें पता है तीन ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। एक आपका लेजिस्लेशन होता है, जो कानून बनाते हैं, ठीक है, जैसे आजकल कानून के ऊपर फोकस भी हो रहा है। अच्छा जी, लेजिस्लेशन है, उसके बाद फिर आपकी इंतजामिया, एग्जेक्टिव यानी आपके प्राइम मिनिस्टर की टीम है, ऑफिसर्स हैं, और तीसरी चीज होती है आपका जुडिशरी, ठीक है जी, अदलिया। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तीनों जगह पे अपनी टांग अड़ाती है। ऐसा कहना या ऐसा मानना कि ये सिर्फ इंतजामिया होते हैं, तो ये बिल्कुल एक ब्रीफ या नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि आपके सिविल इंतजामिया हर पिलर ऑफ द स्टेट के साथ मिलकर काम कर रही होती है। अच्छा जी, अब इसमें हम इसको समझ लेते हैं मजीद कि पॉलिटिकल अप्रोच होती है। पॉलिटिकल अप्रोच का मतलब है ये वो लोग होते हैं जो लेजिस्लेटिव पॉलिसी मेकिंग में होते हैं। ये कहाँ बैठते हैं? अक्सर आपने सुना होगा लफ्ज सेक्रेटेरिएट, ठीक है जी। तो सेक्रेटेरिएट के अंदर जो बैठे हुए लोग होते हैं, वो आपके यही लोग होते हैं, ठीक है। उसमें चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्शन ऑफिसर होता है सबसे लोअर लेवल पे। तो ये जितने भी लोग बैठे होते हैं, इनका काम क्या होता है? लेजिस्लेशन के ऊपर काम होता है। तो पॉलिटिकल अप्रोच हो गई। अच्छा, फिर दूसरी होती है लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच का मतलब ये है हुकूमत के वो काम जो जुडिकेटरी होंगे, जुडिशियल से रिलेटेड होंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, AGP। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? सादा सी जबान में बच्चों, ही इज द वकील, सरकारी वकील, काला कोट, ठीक है जी। ये सरकारी वकील होता है हुकूमत का, जो हुकूमत की नुमाइंदगी करता है उसके लीगल मामला में। ये भी आपका ब्यूरोक्रेट होता है, या इसको आप कह लो कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। तीसरी, जिससे सब लोग जानते हैं जी, नीली बत्ती, वो होती है मैनेजरियल अप्रोच, ठीक है जी, जिसे आप कहते हो एग्जेक्टिव ब्रांच। इसमें आपकी तमाम नीली बत्तियां, लाल बत्तियां, और वो ट्रक की बत्तियां, और सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। तो मैनेजरियल अप्रोच होती है इसमें, फिर आपके जितने ऑफिसर्स होते हैं वो आ जाते हैं इसमें, ठीक है जी। तो ये तीनों ब्रांचेस को कवर करेगा। आगे जाके हम इसको खोलेंगे भी, जब भी हम इसको बच्चों डिस्कस करेंगे पेपर के अंदर, तो हमने उसको सारे पर्सपेक्टिव देने हैं। अब ये बच्चे उस तरह सब्जेक्ट को लिखते नहीं है, फिर नंबर नहीं आते और बच्चे परेशान हो जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी प्रोवाइड्स रेगुलेटरी एंड सर्विस फंक्शंस टू द पीपल। ये तो फिर देखें जी प्राइमरी काम है ना इनका, है ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हमने शुरू में बात की थी, इनका काम होता है लोगों को सर्व करना। तो ये सर्विस फंक्शंस टू द पीपल देते हैं, और जिस तरह दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आपके सामने है। अच्छा जी, और इसके बाद अगर हम बात करें इंटर, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इंटरडिसिप्लिनरी होती है। इसमें पोल साइंस भी चलती है, इसमें इकोनॉमिक्स को भी डिस्कस करना पड़ता है, इसमें सोसाइटी को भी, कि किस किस किस्म के लोग हैं सोसाइटी में, क्या बिहेवियर्स हैं सोसाइटीज के, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद हाँ, जो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात आती है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन इज व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। हकूमत के ये दो बातों का जवाब देती है, यानी हकूमत से पूछती है सर करना क्या, ठीक है जी। हकूमत कहती है देखें जी, कोरोना आया है, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बच्चों, कोरोना आया है, और कोरोना में लोगों को रिलीफ देना है। नाउ दिस इज द आंसर ऑफ व्हाट, रिलीफ देना है, ओके। अब करना कैसे है? पता लगा जनाब, करना कैसे है? एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम चला दो, ठीक है, लोगों को 12-12 हज़ार रुपए दे दो। कैसे दे दो? ई गवर्नेंस के जरिए। ई गवर्नेंस क्या है? लोगों को लाइनों में ना लगाना, ये ना हो ये आटों की तरह लाइनों में लगे हुए हो, आटे की लाइनों में बेचारे फौत होते रहे। तो इनको आप मैसेज कर देना ताकि इज्जत से आए, अपने पैसे लें और घर जाए। तो अब एडमिनिस्ट्रेट पॉलिसी जरूर मिनिस्टर ने बनानी है, लेकिन उनसे पूछेंगे जी क्या करना है और कैसे करना है। अब क्या और कैसे, इसका जवाब जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन देगी, और एक अच्छा सा प्लान बना के देगी। जैसे एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम को लीड किया था डॉक्टर सानिया निश्तर ने पाकिस्तान में, तो अब ये जो एक टीम ये चला रही थी, ये क्या बता रही थी? व्हाट एंड हाउ, ठीक है कि रिलीफ देना और कैसे देना, ये आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो समझाती और बताती है। अच्छा, आगे चलते हैं बच्चों। तो अब अगर स्कोप की बात करें जी, कहाँ कहाँ ये काम आ रही है, तो बच्चों जहां जहां सादा सी जबान में याद रख लें, जहां जहां हकूमत है वहां वहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि वजीर आजम ने या वजराए आला ने या वजीरों ने खुदा के नीचे तो काम नहीं करना, उन्होंने तो काम करना विद द हेल्प ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जहां जहां हुकूमत चल रही है, वहां वहां पे ये लोग अपना काम
करेंगे। इसमें मैंने बेसिक बेसिक बातें बता दी। यहाँ एक मुझे नजर आ रहा है एचआरएम लिखा हुआ है, तो एचआरएम से मैं बता दूं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है जी। तो इंसानों को मैनेज करना है और अपनी वर्क फोर्स को मैनेज करना है, वो भी इनका काम होता है। अच्छा, फिर इनका काम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, और ये अपनी लोकल अथॉरिटीज या पब्लिक कॉर्पोरेशन को भी डील करते हैं, ठीक है जी। ये बाकी ऊपर वही बात है जो ऊपर डिस्कस करके आए हैं। इस स्कोप को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड की हुई है कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने डाल दी है ताकि आप अपने पेपर में कोट कर सको कि देखिए जी हुकूमत कहाँ कहाँ होती है। आप कहोगे देखिए जी सर, हुकूमत जो है ना वो गार्बेज कलेक्शन से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन तक होती है। अब ये और बात है कि हमारे मुल्क में स्पेस शायद एक अननोन वर्ड चल रहा है, लेकिन बहरहाल अब गार्बेज कलेक्शन, सुबह सुबह आप लोग देखते होंगे कि बल्दिया के लोग आते हैं सफाई करने के लिए, ठीक है। अगर जो लोगों को नमाज पढ़ के सुबह वॉक करने की आदत है, तो आप बल्दिया के लोग देखते होंगे वहां घूम रहे होते हैं। अब वो बल्दिया किसकी नुमाइंदगी कर रही है? बल्दिया रियासत की नुमाइंदगी कर रही है। रियासत का इदारा है गार्बेज कलेक्शन से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन तक वो ये करेगा। फिर चाइल्ड बर्थ टू बरियल रेट्स, बरियल राइट्स, ठीक है जी। ये आपके बच्चों के पैदा होने से लेके जो आपके डेथ की रसूमात होती है वहां, यानी कि आपकी, अब जैसे आप देखें इसमें इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें आपका हेल्थ का जितना भी स्टाफ है वो आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह फ्रॉम हेल्थ इंश्योरेंस टू ओल्ड एज बेनिफिट्स, आप लोगों ने देखा होगा पाकिस्तान में एक इदारा है ओल्ड एज एम्प्लॉयमेंट के नाम से। तो वो क्या करते हैं, वो सारे जो ऑफिसरान हैं वो लोगों को एंटरटेन करते हैं वहाँ पे। उसके बाद आपके देखें जी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फिर एचआर ट्रेनिंग है, हाँ कल्चर स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स। आप देखेंगे हर इलाके में जब भी कोई कल्चर फेस्टिवल या कोई हो रहा होता है, वहाँ पे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब को मधु किया जाता है, डीपीओ साहब को मधु किया जाता है, ठीक है जी। वैसे ये आपकी सिविल इंतजामिया पास के अंडर आती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे प्रोजेक्ट्स इनके पास है, फिर सिक्योरिटी डिफेंस लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें हुकूमत कर रही होती है। इन शॉर्ट बच्चों, जहाँ जहाँ हुकूमत होगी वहां वहां आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप होगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि जनाब आखिरी बात आज की करें कि ये क्या ऐसी नौबत आ गई कि सिविल इंतजामिया का रोल इतना अहम हो गया, तो बच्चों पहली बात मैं आपको समझा चुका। देखिए, जब भी जमहूरी हुकूमत बनी तो जमहूरी हुकूमत का बुनियादी काम होगा सर्विस टू द पीपल, आवाम को, बेचारी आवाम को आटे की लाइनों में लगाना है, आवाम को आप लोगों ने डंडे मारने हैं, आवाम को, तो आवाम की सर्विस करनी है ना। तो आवाम की जब सर्विस करनी है तो उसके लिए, खैर जस्ट किडिंग, कि अगर आपने आवाम को सर्व करना है, देखिए बच्चों आवाम के लिए पॉलिसीज बनानी है, आवाम को एंटरटेन करना है, उनके मसलों को हल करना है, तो आपको एक इंतजामिया चाहिए। क्योंकि हर जमहूरियत में आप आवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा होते हैं, और पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला के बाद जो हमारा आइन कहता है, अल्लाह ताला के बाद जो ताकत का सरचश्मा है वो आवाम है, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें तो पहला तो ये था क्योंकि दुनिया में डेमोक्रेटिक स्टेट्स राइज हो रही थी और डेमोक्रेसी में आवाम इंपॉर्टेंट होती है, तो लोगों ने पब्लिक या ममालिक ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा इफेक्टिव और एफिशिएंट करने की जरूरत महसूस की। दूसरा बच्चों, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया 19वीं सदी में और एक इंडस्ट्रीज का राइज आया, तो उससे क्या हुआ कि प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ द राइट्स ऑफ वर्कर्स, कि जो सरमायादाराना निजाम के अंदर एक वर्कर के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी सिविल इंतजामिया ने की जो जरूरत है वो महसूस की गई। फिर तीसरा, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिए सास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम, ई गवर्नेंस के, जो आपकी अब साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में, इसमें बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत को किया जा सकता है, और लार्ज स्केल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है अगर आप ई गवर्नेंस लेके चल रहे हैं। इसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आपकी एग्जाम्पल जो है वो आपका सिटीजन पोर्टल है। सिटीजन पोर्टल के अलावा जितनी भी आप ऑनलाइन, अब जैनब अलर्ट एक ऐप बनाई गई है, तो जैनब अलर्ट, जो जैनब का एक केस हुआ था, जैनब मर्डर केस, उसके ऊपर जैनब अलर्ट ऐप बनाई गई, यहाँ पे अपडेट होती है, ठीक है। तो अब आपकी जो घूमते हैं वो ई गवर्नेंस के जरिए चल रही है, तो इस वजह से आपका इफेक्टिव रोल जरूरी हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। फिर इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, ये जी पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ बजट लगाना है, पार्क बनाना है या वो पार्क वाला पैसा उठा के हमने घर के अंदर सोना लगा देना है, जो भी आप कराची में केस निकला, खैर भारत इकोनॉमिक प्लानिंग ही करते हैं। फिर इंक्रीजिंग कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सोसाइटीज, हमारी सोसाइटी जबान की बुनियाद पे, मजहब की बुनियाद पे डिवाइडेड सोसाइटीज है, तो आपने इन ऐसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनानी है जिसमें इन तमाम चीजों के कतर नजर आपने अपनी आवाम को सर्व करना है, बिकॉज दे आर द सिटीजन ऑफ द स्टेट,
उनका मजहब, उनकी जबान, उनका रंग, वो सेकेंडरी, टर्शरी और उसके बाद भी कहीं नहीं आता। हम सिर्फ सिटीजनशिप की बुनियाद के ऊपर हमने उनको सर्व करना है। और आखिरी चीज है, क्योंकि अब दुनिया बदल रही है तो स्टेट के फंक्शंस भी बढ़ते जा रहे हैं, तो स्टेट अपने बढ़ते हुए फंक्शंस को किस तरह डील करेगी, वो अपनी अच्छी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए डील करेगी। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह आप लोगों को मैं जल्द ही अगला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोग ये साथ साथ लेके चल रहे हैं तो इंशाल्लाह आई होप कि आप लोग इसको आराम से ओवरकम या कैप्चर कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह बच्चों, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।